रीमा, बाय द वे आज बहुत अच्छी लग रही है तुम। आप भी बस रेडी हो जाइए। गिव मी 2 मिनट्स। हे भगवान, नेहा तुम अभी की अभी वैसे ही बैठी हो। वो लोग आते होंगे, जल्दी से रेडी हो जाओ। पापा का गुस्सा मालूम है ना, ये कपड़े भी आयरन करके रख। नेहा उठो, जल्दी रेडी हो जाओ। मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। लड़की भी मम्मी देख, आप लोग क्यों जबरदस्ती मेरी शादी के पीछे पड़े हो? जब होनी होगी हो जाएगी ना। रोज रोज लड़कों का मुझे देखने आना, कभी ये कभी वो। मम्मी जब मैं कंफर्टेबल होंगी मैं आपको बता दूंगी, बट प्लीज अभी नहीं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें लेके कितने वरिड है, और पापा तो इस वक्त कह रहे थे कि ये रिश्ता पक्का ही हो जाना चाहिए। ये क्या हर वक्त हमेशा करती रहती हो? देखो बेटा, हो सकता है यही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तुम खुश रहोगी। रेडी हो जाओ। और हाँ प्लीज, उनके सामने अच्छे से पेश आना। मिस, कम ऑन, चलो रेडी हो जाओ। नेहा जी, इस बार कोई सीन क्रिएट मत करना, चलो जल्दी आओ। अरे शर्माइए मत, आपका अपना ही घर है, प्लीज। आदित्य बेटा, तुम्हारा ऑफिस तो काफी दूर है, तो तुम कैसे जाते हो वहां पर रोज? अरे नहीं अंकल जी, कहाँ दूर है, बाइक से जाता हूँ, बाइक से आता हूँ, और 180 सीसी की बाइक है मेरी, तो सुबह के वक्त सिर्फ 17 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूँ। नेहा कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही है? बस यही है, रीमा तरह नेहा को लेकर आओ। मैं अभी देख के आई, आप प्लीज। नेहा जी, नेहा आ गई। आओ बेटा। बेटा सर्व करो। नेहा बेटा चाय दो। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या नेहा और मैं अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? अब हाँ क्यों नहीं। नेहा बेटा, आदित को अपना कमरा दिखा दो और अपना घर भी दिखा दो। जाओ बेटा जाओ। जी जी। सुनेहा, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? आई मीन डांसिंग, सिंगिंग, व्हाट डू लाइक टू डू? डू यू माइंड? प्लीज। थैंक यू। वैसे अंकल जी मुझे बता रहे थे कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, और मैंने सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां बहुत तेज होती है, सो आई शुड बी केयरफुल। हाँ बट
तुम काफी डिफरेंट हो। मीन शर्मीली, शांत, चुपचाप। तुम यूजुअली ऐसी होती हो या आज कुछ? सी प्लीज बी कंफर्टेबल, ओके? डोंट वरी, आई लाइक टू नो मोर अबाउट यू। हे ट्रॉफीज, लगता है स्कूल कॉलेज में काफी पॉपुलर थी तुम। चैंपियन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो बड़ी वाली ट्रॉफी वो मेरी स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप की है, और उसके साथ वाली वो डांस में। बाकी ये तो सब बातें पुरानी हो गई, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। नेहा, I like your hairstyle. क्या मैं तुम्हारी पुरानी फोटोज देख सकता हूँ? देखो तो कि तुम तब ज्यादा खूबसूरत थी या अब हो। I like what you've done to your room, yeah? Nice. फोटो देखेगा? कौन सी फोटो देखेगा? कॉलेज की? नेहा, अरे मेरे बचपन। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी फैमिली की? अरे नेहा रुक जाओ। या फिर मेरे फ्रेंड्स की? नेहा मत करो, रुको। दिल्ली की तेज लड़कियां देखेगा? पागल हो गए हो क्या? मम्मी, पापा। आदित्य, मम्मी चलो यहाँ से, ये लड़की में कुछ गड़बड़ है, साइको है। अरे तो ठीक तो है, क्या हो गया तुम्हें? बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हूँ, चलो मैं नहीं रुक रहा हूँ। अरे अरे, अरे भाई साहब बात तो सुनिए। नेहा, 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 क्या हुआ है नेहा? क्या हुआ है यहाँ नेहा? मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मम्मी सब सब ठीक था मम्मी, आई प्रॉमिस। मैं कुछ भी तो ठीक नहीं है, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हुआ ऐसे, तुमसे मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आपने ये परेशान होने का, उदास होने का नाटक बंद करो। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है? किस बात की सजा दे रही हो हमें तुम? बोलो। छोड़िए, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगी हमें। कब बताएगी? अरे वाह, आज तो नहीं आई है। नेहा बेटा खाना खाओ। चलो मैं आज अपने हाथों से तुम्हें खिलाती हूँ तुम्हारा फेवरेट वेज पुलाव, बहुत पसंद है ना तुम्हें? लो आ करो, आ। अरे गुड गर्ल। अच्छा एक और मेरी तरफ से। हाँ नेहा, बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम हमेशा ऐसे चुप चुप क्यों रहती हो? तुम तो पहले कभी भी ऐसी नहीं थी, हमेशा इस घर में हंसती हंसाती रहती थी, यहां से वहां फुदकती रहती थी,
और अचानक से ये क्या हाल बना लिया तुम्हें? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो। हम दोनों हर वक्त हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हैं बेटा। बस एक बार मुझे मेरी नया वापस लौटा दो। आप कुछ कहते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नेहा के साथ ये सब क्यों हो रहा है। प्लीज डॉक्टर हेल्प अस, यू आर द ओनली होप ना। डोंट वरी मैम, आपने अभी जो कुछ बताया वो डिप्रेशन के सिम्टम्स है। डिप्रेशन? इफ यू डोंट माइंड, मैं नेहा के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। Of course. नेहा ठीक तो हो जाएगी? बताओ नया बेटा, आपको क्या टेंशन है? कुछ तो ऐसी बात है जो दिली दिल में आपको खाए जा रही है। डॉक्टर, वो हाँ बताओ। मुझे इंतजार है, किसी की जान लेना चाहता हूँ मैं। आप क्या मेरी मदद करेंगे डॉक्टर? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरी मदद कौन करेगा। Ah!
पर नेहा, नेहा, नेहा। पापा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुमने क्या किया डॉक्टर के साथ? क्यों उस तरह भाग गया? मैंने भी कुछ नहीं किया पापा। मेरे साथ क्या हो रहा है पापा? मुझे कुछ याद नहीं रहता। कुछ तो है जो आप और मैं नहीं देख पा रहे। आदित्य जिस तरह से भागा और उसने कहा कि नेहा पागल है। मम्मी चलो यहाँ से, ये लड़की में कुछ गड़बड़ है। और अभी तक जितने भी लड़के उसे देखने आए सबका भी वही हाल हुआ और वो भी ऐसे ही भागे थे। आपको क्या लगता है? तुम ठीक कह रही हो रीमा, तो मुझे भी लगने लगा है कुछ तो गड़बड़ है। अमित, नेहा, नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। किधर है नेहा? नेहा उधर देखो। नेहा भूषण बोल रहा हूँ। कौन डॉक्टर भूषण? आपके बेटी को मेरे हॉस्पिटल में लेके आए थे आप। वो एक सुसाइडल केस था। जी बोलिए। एक डॉक्टर होते हुए मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे कोई मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या मतलब है आपका? देखिए मैं मदद लेके आपके घर पे आ रहा हूँ, आप मेरा इंतजार करना।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारी नेहा को? प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर करता। पर हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुली हुई वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैं प्रोफेसर क्षितिज को लाया हूं। लड़की कहाँ? वहां पे कमरे में ऊपर। आप आइए मेरे साथ। आप सब यहां रुकिए, मुझे उससे किले में मिलना है। नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाए कि हमारी बेटी पे क्या बीत रही है, और अब आप चाहते हैं कि मैं इस हालत में से अकेला छोड़ दूं? नहीं, भावनाओं पे काबू रखे, वो कोई इंसानी ताकत नहीं है। आप सबकी समझ से परे है वो। मुझे अपना काम अकेले करने दो। ताकत? अमित, ये हाँ, वही ताकत आपकी बेटी से ये सब करवा रही है। आप लोग घबराओ मत, आपकी बेटी उस ताकत से लड़ना चाहती है, उसे हराना चाहती है, और मुझे पूरा यकीन है प्रोफेसर क्षितिज उसे बचा पाएंगे। प्लीज ट्रस्ट हिम। जानता हूं यहां कोई और भी है। नेहा, तुम मुझे सुन रही हो? नेहा, मैं तुमसे बात करने आया हूं। नेहा, नेहा, बात कर, कम ऑन, व्हाट्सएप।
नेहा, संभालो, नेहा, अरे, नेहा, नेहा, नेहा